जमशेदपुर में अपराधियों का तांडव सिर चढ़कर बोल रहा है। जहां एक अपराधी दिनदहाड़े एक कदमा बाजार के एक ज्वेलरी दुकान में लाखों रुपए की सोने की अंगूठियों को लेकर फरार हो गया है। इधर जानकारी के मुताबिक एक अपराधी हेलमेट पहनकर दुकान में प्रवेश करता है, जिसके बाद अपराधी दुकानदार को सोने की अंगूठी दिखाने की बात कहता है। इधर दुकानदार उसे सोने की अंगूठी दिखाता है, जिसके बाद अपराधी द्वारा टेबल पर 500 रुपए का एक बंडल रख देता है और दुकानदार को सोने की चैन दिखाने के लिए बोलता है, जिसके बाद दुकानदार सोने की चैन जैसे ही लेने के लिए मुड़ता है, तब अपराधी रुपए के बंडल के साथ साथ सोने के सभी अंगूठियों को लेकर फरार हो जाता है। आगे इस वीडियो में देखिए कि इस घटना को लेकर ज्वेलरी शॉप के मालिक ने क्या कहा है। तो क्या हुआ, एक आदमी आया था रेड एवेंजर में और वो आया दुकान में, उस समय मैं दुकान में था नहीं, मेरे फादर थे अकेले, और उसने कुछ पैसा निकाला, पापा को दिखाया, उसका कहा कि मुझे सोने अंगूठी चाहिए। पापा ने उसने पैसा दिखाया, फिर जेब में डाल लिया। पापा ने सोने अंगूठी दिखाया, सोने अंगूठी दिखाते हैं तो कुछ अंगूठी छाटा उसने, उसके बाद पापा किसी का और अंगूठी दिखाई मुझे, और फिर और अंगूठी दिखाया उसको, बोले पसंद नहीं है। उसके बाद उसने क्या कहा, चैन दिखाने के लिए कहा, चैन दिखाने का, पापा चैन लाने के लिए अंदर गए, जब तक वो पूरा ट्रे का पूरा अंगूठी वो खाली करके 12 पीस अंगूठी था उसमें, वो लेके वो चला गया। ताकि वो पहले जब जैसे एंट्री का दुकान में हो तो कुछ कैश निकाला था पहले, और साथ में इंक्लूडिंग ATM था उसका। क्या किया पापा ने, उसको वापस किया तो क्या किया, ATM वो काउंटर में छोड़ दिया। ATM अब जानू छोड़ा क्या क्या छोड़ा नहीं मालूम मुझे, काउंटर में रखा और बाकी कैश जेब में रख लिया। उसका ATM कार्ड जो है यहाँ छूट गया था उसका। अब उसका है कि क्या से आए, वो एवेंजर बैग से आया। हमारा भी बिजनेस है, हमारा भी यही लाइन पे है, और इस लाइन पे है तो हम लोग को सतर्क रहना चाहिए ऐसे लोगों से, और मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि इस पर ज़्यादा ध्यान दें। हाँ हाँ बिल्कुल, डर है और प्रशासन यहाँ पेट्रोलिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा प्रशासन को ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए लगातार। हाँ, इस सब हमारे जितने भी सोनार समाज के लोग हैं, जाएंगे उनसे बात करेंगे, बात के मिल करके जो भी हल होगा उसे बताया जाएगा।